नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पद्माश्री शुभम। और इस वक्त हम हैं रामाज्ञा स्पोर्ट्स एकेडमी में और हमारे साथ हैं एम सुरंजॉय सिंह जो कि कॉमनवेल्थ के चैंपियन रह चुके हैं, इसके अलावा अर्जुन अवार्डी भी हैं। और इनका एक और इंट्रोडक्शन है वो ये कि ये इंडियन नेवी के बॉक्सिंग के चीफ कोच हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी के का सिलेक्शन चल रहा है और काफ़ी कुछ है यहाँ पर जानने के लिए हमारे लिए, तो हम सीधे इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ हो रहा है और किस तरह से सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है एम सुरंजॉय सिंह जी, आप मुझे पूरा सिलेक्शन के बारे में आप बताइए। सिलेक्शन यही हो रहा है क्योंकि जो अपना इंडियन नेवी है उनमें उनके रिक्रूटमेंट के लिए हम यहाँ मतलब इधर ही आए हैं, वहाँ से हम जो लड़कों सिलेक्शन करके उसको नेवी में भर्ती होंगे, उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग देंगे और नेवी के लिए अच्छा बॉक्सर बनाएंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, आप बताइए कि क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्राइटेरिया है इसका? क्राइटेरिया ये है कि हम उनको थोड़ा बच्चा को थोड़ा खेला हुआ चाहिए क्योंकि कम से कम यूथ नेशनल पार्टिसिपेट होना चाहिए या तो इंटरनेशनल मेडल भी है और सीनियर में जो नेशनल खेला हुआ चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल खेले हुए स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं और नेशनल भी हैं, तो जो एक चुनौती होती है कि नहीं इस क्राइटेरिया पे आना चाहिए कोई भी स्पोर्ट्स है जिसका सिलेक्शन होना चाहिए, वो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा जो कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं? वही, क्योंकि हम लोग यही सोच के आते हैं क्योंकि जो बॉक्सर आते हैं नेवी में, हम यही सोचते थोड़ा उनको नॉलेज हो बॉक्सिंग के बारे में, थोड़ा नॉलेज हो और जो बॉक्सिंग खेला हो नेशनल पार्टिसिपेट किया हो लेकिन बॉक्सिंग की नॉलेज हो, उनको कई तरह ऐसा हो जाता है गाइड पूरा नहीं मिल पाते बॉक्सिंग को, पूरा मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाते। कई गरीब लोग मतलब गर्व से होते हैं अपना भारत के बॉक्सर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा, उनको हम नेवी में भर्ती करा के जो उनको अच्छा सुविधा मतलब नेवी से मिलता है उनको दे और ट्रेनिंग का फैसिलिटी दे और उनका बॉक्सिंग में आगे बढ़े और देश के लिए नाम रोशन करे। ओके, तो जब ये सिलेक्शन हो जाएगा जितने भी चुने जाएंगे पार्टिसिपेंट जो हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? क्या उनको और भी किसी एग्जामिनेशन से या किसी और कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा या फिर किस तरह से उनका सिलेक्शन आगे का प्रोसेस होगा? पहले तो हम यहीं से डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, जो हम लोग उनका फाइट देखेंगे, फाइट देखने पर उनको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने पर उनको हम सीधा मुंबई में हम लोग जो नेवी रिक्रूटमेंट होता है स्पोर्ट्स का उनको मेडिकल चेकअप करेंगे पहले, तो मेडिकल चेकअप में पास हो गए होने के बाद उनको भर्ती हो जाएगी। ओके, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके सामने भी कई आर्थिक रूप से बहुत पीछे होंगे वैसे कॉम्पिटेंट आते होंगे या बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ होंगी, अभी कोरोना गया है, लॉकडाउन गया है, तो उस समय की जो चुनौतियाँ थी वो कैसी थी, कैसी रही होंगी? ये जो सिलेक्शन जो चल रहा है क्या इसको भी पोस्टपोन करना पड़ा, किस तरह से वो लॉकडाउन का पीरियड पूरा गया है? उस तब ट्रेनिंग घर ट्रेनिंग हो रहा है घर घर पे, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो करते रहता है बच्चों मतलब बॉक्सर्स लोग जो भी है, तो हम ये भी देखते हुए क्योंकि जो अपना टीम है मुंबई में रहता है, तो मुंबई में हम पहले ट्रायल होता था मुंबई में होता था, तो कोरोना के चलते हुए हम सोचते हैं क्योंकि हम बाहर जाए हम जाके, क्योंकि ये प्लान हमने पिछले साल से शुरू किया था, तो हमने कहीं बाहर जाके कहीं जगह पे जाके हम लोग नेवी के लिए रिक्रूटमेंट ले, क्योंकि अगल बगल का जो लोग आ पाए जो मुंबई तक आ नहीं पाते, कोई कोई ऐसे रहते हैं मतलब गांव में रहते हैं, मतलब जो सिटी होता है क्योंकि मतलब कहीं कहीं से भी नज़दीक पड़ता है, दिल्ली मेन सिटी है, तो मतलब दिल्ली में से ही हरियाणा पंजाब उत्तराखंड यूपी ये पास में होता है, तो इसलिए हमने सोचा दिल्ली में हमने प्लान बनाया था पहले कि आसपास के लोग आ जाएं आसानी से। जी। और अब ये तो सिलेक्शन का रहा, आप एक अर्जुन अवार्डी हैं, हम आप पे आते हैं सर, ये जो एक्सपीरियंस रहा होगा जब आपने अर्जुन अवार्ड हासिल किया होगा तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बहुत मतलब अच्छा लगता था क्योंकि हम भी मतलब जो बॉक्सिंग में हमने खुश करने के बाद जो मिलता है, जो अर्जुन अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है जो बॉक्सर के लिए जो स्पोर्ट्समैन के लिए, ये हम जब बॉक्सिंग शुरू करते थे हम सोचते हमको भी अर्जुन अवार्ड चाहिए, तो अर्जुन अवार्ड लेना है तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, जब मेहनत करेगा तो हम परफॉर्मेंस
देगा तो कमीशन में, हर एक जो बाहर जाता है कमीशन के लिए उसमें मेडल आएगा तो अर्जुन अवार्ड भी अपना आता है। एक चीज़ और सर, कि किस तरह से आप के सामने बहुत सारे कॉम्पिटेंट आते होंगे और कई ऐसे होंगे जो क्यू में होंगे कि उनको इस सेक्टर में आना है, स्पोर्ट्स के बॉक्सिंग सेक्टर में आना है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे, या किस तरह से वो अपने जो स्पोर्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाएं, किस तरह क्या उनको कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा, कोई भी हो लेकिन जो बॉक्सिंग है इंडिविजुअल गेम है तो ट्रेनिंग के लिए कई कई जगह ट्रेनिंग मिलता नहीं है। अभी लॉकडाउन भी होता है इसकी वजह से ट्रेनिंग मिलता नहीं है। कम से कम एक बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसे गेम है, मतलब एक ही रूम में ट्रेनिंग कर सकते हैं उसको। बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं बॉक्सिंग के, बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग होते हैं, तो हम अपना तरफ से ऑन अपना फिट रखेगा तो अपना गेम भी चलते रहेगा। तो मैं तो ये होगा मेहनत करते रहे और जो अपना फिटनेस है फिट रखे और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करे, जो खेल रहा तो गेम भी ध्यान दे और अच्छे से पढ़ाई करे और माँ बाप पढ़ाई को भी पीछे ना, हाँ पढ़ाई को भी पीछे ना छोड़े, पढ़ाई के साथ साथ गेम भी साथ साथ करे। और जो आजकल तो पूरा गेम जो ऐसा जो हम चाहिए, जो कुछ भी गेम के बारे में अगर नॉलेज लेना है तो हम इंटरनेट में भी सब मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था भाई, अभी तो सब एंड्रॉइड फ़ोन है सबके पास, तो एंड्रॉइड फोन में सब मिल जाता है, थोड़ा इजी हो गया, इजी हो गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, इस बॉक्सिंग का जो पूरा स्पोर्ट्स है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार मतलब जो बॉक्सिंग है, जो बॉक्सिंग के लिए जो जो साई है, मतलब स्पोर्ट्स के लिए जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जगह गांव में कई स्कूल में मतलब स्पोर्ट्स का फैसिलिटी मतलब देना शुरू किया है, जो खेलो इंडिया, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि बच्चे के लिए जो स्पोर्ट्स के लिए, और ऐसा करते रहेगा तो और अपना देश आगे बढ़ेगा। सर ये जो पूरा सिलेक्शन चल रहा है वो रामागे स्पोर्ट्स एकेडमी में चल रहा है, तो आप इस स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उनका मतलब शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन लोगों ने इतना मतलब जल्दी में टाइम इतना कम समय में उन्होंने हम लोग के लिए ऑफर दिया और उन लोगों ने इतना अच्छा अच्छा मतलब हम लोग के लिए मतलब सेटअप कराया, तो पहले तो मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए। और अरेंजमेंट्स वगैरह को लेकर क्या कहेंगे, कितना सपोर्टिव रहे हैं ये रहा है ये एकेडमी? वही मतलब सपोर्ट, बहुत फुल सपोर्ट है इनके तरफ से, तो वही मैं बहुत थैंक्स हूँ मैं उन लोग से क्योंकि बहुत कम समय में उन लोगों ने मेरे लिए सपोर्ट किया है।